अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने टिकटॉक अकाउंट पे ब्लू टिक कैसे लगा सकते हैं, अपने टिकटॉक अकाउंट को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि अगर आपके टिकटॉक के अकाउंट पे 1 मिलियन फॉलोअर हैं, 2 मिलियन फॉलोअर हैं या जिनके साथ 8 लाख फॉलोअर हैं तो तब भी आपको टिकटॉक ब्लू टिक देती थी। लेकिन अब 2024 की जो न्यू अपडेट आई है, इससे अगर आपके टिकटॉक अकाउंट पे 500 फॉलोअर हैं, 1000, 2000 या 3000 फॉलोअर हैं तो आप अपने टिकटॉक अकाउंट पे इजीली ब्लू टिक लगा सकते हैं। ये जो मैं ट्रिक बताऊंगा ये अक्सर टिकटॉक अकाउंट पे वर्क कर जाती है और उनके अकाउंट पे ब्लू टिक लग जाती है। ब्लू टिक का फ़ायदा क्या होता है, अगर आपके टिकटॉक अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, ब्लू टिक लग जाती है तो आपका टिकटॉक का अकाउंट ऑटोमेटिक वायरल होने लग जाएगा और आपके कुछ ही दिनों में लाखों में फॉलोअर हो जाएंगे और आपका टिकटॉक का अकाउंट बहुत ज़्यादा वायरल हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे मैं टिकटॉक की टिप्स एंड ट्रिक शेयर करता रहता हूँ। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, सिर्फ 780 फॉलोअर है और इसकी ब्लू टिक लगी हुई है। पहले जो मैंने आपको अकाउंट दिखाया उसके भी तकरीबन आप फॉलोअर चेक कर सकते हैं, तकरीबन 400 फॉलोअर हैं और उसकी भी ब्लू टिक लगी हुई है। तो कंप्लीट ट्रिक बताऊँगा इसी वीडियो में, तो वीडियो को गौर से देखना। सबसे पहले करना क्या है कि आपने अपना टिकटॉक का अकाउंट खोल देना है। अकाउंट खोलने के बाद आपने 3 डॉट पे जाना है। 3 डॉट पे जाने के बाद आपने चले जाना है सेटिंग एंड प्राइवेसी पे। सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाने के बाद आपने सिंपल चले जाना है अकाउंट्स पे, ठीक है। अकाउंट पे जाने के बाद आपने करना क्या है कि आपने अपने अकाउंट को यानी कि बिजनेस अकाउंट बना लेना है। तो आपने करना क्या है कि स्विच टू बिजनेस अकाउंट यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको मजीद भी ट्रिकें बताऊँगा जिससे आपकी उम्मीद है एक दिन में भी आपका टिकटॉक का अकाउंट वेरीफाई हो सकता है। एक मंथ भी लग सकता है, एक हफ्ता भी लग सकता है, ये आपकी किस्मत पर डिपेंड है। तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करते जाता हूँ और अभी मेरा जो है ये अकाउंट बिजनेस हो जाएगा। अभी आपके सामने एक कैटेगरी आएगी, आपने यहाँ पे गौर कर देना है। कैटेगरी जो आपने सेलेक्ट कर देनी है वो आपने आ जाना है नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको पर्सनल ब्लॉग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ठीक है। इस ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ईमेल अगर आपने नहीं दिया तो आप दे सकते हैं, यानी कि मैं तो स्किप कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्रिएट नाउ पे क्लिक कर देना है। ये जो हमारा है ये अकाउंट वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने फिर दोबारा से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने दोबारा 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाने के बाद आपने करना क्या कि फ्री अप स्पेस, जो आपका पुराना जो वायरस खड़ा है आपके टिकटॉक अकाउंट में, क्लियर कैचे कर देना है। यहाँ पे मैं दोनों को क्लियर कैचे कर देता हूँ, ठीक है। और आपने इसको भी क्लियर कैचे कर देना है। और इसके बाद मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद आपने रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम पे आ जाना है। रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम पे आने के बाद यहाँ पे आपने दोबारा गूगल क्रोम पे जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा, रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम वाला ये यानी कि पेज ओपन हो जाएगा। इससे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र पर चले जाना है। यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउज़र पर जाता हूँ। यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है टिकटॉक ब्लू टिक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टिकटॉक ब्लू टिक। टिकटॉक ब्लू टिक आइकन आपने लिख देना है। लिखने के बाद आपने सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपने इमेज पे चले जाना है, ठीक है। इमेज पे चले जाने के बाद यहाँ पे जो आपको ये वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये वाली आप फोटो डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ये वाली, तकरीबन ये दो यानी कि रियल है ये, और इसके बाद नीचे आ जाना है और ये भी आपको रियल दिखाई दे रहा है। आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद डाउनलोड पे क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी डाउनलोड कर देता हूँ और ये भी यानी कि डाउनलोड कर देता हूँ। दोनों को मैं डाउनलोड कर देता हूँ। डाउनलोड करने के बाद दोबारा से आपने टिकटॉक ऐप पे चले जाना है, ठीक है। मैं ऐप पे चले जाता हूँ। ऐप पे जाने के बाद आपने करना क्या कि आपने सबमिट आर रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। ये नीचे वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने एक रिपोर्ट भेजनी है, ठीक है। आपने करना क्या है कि मैं यानी कि खोल देता हूँ, इंग्लिश ट्रांसलेटर खोल देता हूँ। आपने अपने बारे में लिखना है। आपने करना है क्या कि आपने लिखना है कि मेरे टिकटॉक अकाउंट पे तकरीबन 1 लाख फॉलोअर हैं, ज़्यादा आपने बोलना है। और यानी कि मैं एक यानी कि यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब पे मेरे इतने फॉलोअर हैं, या आप कह सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर हैं, उनको आपने जान पहचान अपनी बतानी है, तब भी आपके अकाउंट पर ब्लू टिक लगेगी। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मेरे यानी कि यूट्यूब
पे तकरीबन 20,000 सब्सक्राइबर हैं। रियल तो 20,000 है लेकिन मैं बोलूँगा 50-60,000 सब्सक्राइबर हैं और वहाँ पर मैं टिकटॉक के हवाले से टिप्स एंड ट्रिक शेयर करता रहता हूँ। आपने इसी तरह बोल देना, इंस्टाग्राम का भी बोल सकते हैं, फेसबुक का भी बोल सकते हैं, कोई सा भी आप झूठ बोल सकते हैं कि ठीक है आपने थोड़ा बढ़ा चढ़ा के झूठ बोलना है। तो यहाँ पर मैं अपने बारे में एक रिपोर्ट यानी कि लिखता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने बारे में कुछ लिख दिया, लिखने के बाद मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद दोबारा टिकटॉक पे चले जाता हूँ। टिकटॉक पे चले जाने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद पहले मैं ऊपर एक लिखूंगा, ठीक है, हाय टिकटॉक टीम, ठीक है, ये क्योंकि टिकटॉक टीम के पास ये रिपोर्ट जा रही है। यहाँ पे मैं हाय टिकटॉक टीम यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखने के बाद आपने दोबारा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपने अपनी टिकटॉक आईडी का जो नेम है वो यहाँ पे आपने लिख देना है, ठीक है, जैसा कि मैं लिखता हूँ क्रिएटर फेब, ठीक है, क्रिएटर क्रिएटर शेप लिख दिया। लिखने के बाद आपने अपनी टिकटॉक आईडी का एक स्क्रीनशॉट भी लेके रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, एक स्क्रीनशॉट ढूंढता हूँ, वही ये देखें, एक मैं वेरीफाई वाला यानी कि ढूंढता हूँ, ये वेरीफाई वाला हो गया। और अब मैं अपनी टिकटॉक आईडी का एक स्क्रीनशॉट ढूंढता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये दो फोटो आपने सेलेक्ट कर देनी है, एक वेरीफाई वाली जो मैंने आपको बोला था गूगल क्रोम से डाउनलोड करनी है, और दूसरी जो यानी कि आपकी टिकटॉक आईडी है वो कर देना है, और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने रिपोर्ट को सबमिट कर देना है। दोस्तों मैंने दोनों फोटो सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने रिपोर्ट सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद यानी कि कुछ दिन बाद या एक हफ्ता, एक मंथ या तकरीबन एक दिन भी लग सकता है यानी कि टिकटॉक टीम की रिप्लाई करने में। आप भी ये ट्रिक यूज़ करें, इंशाल्लाह आपका टिकटॉक का अकाउंट ईजिली वेरीफाई हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटर शेप को सब्सक्राइब कर दें।